साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। सोमवार को झांसी की कुंज विहार बाटका में इंडिया गठबंधन द्वारा युवा न्याय संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के वरिष्ठ एवं कद्दावर नेताओं ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस दौरान मौजूदा भाजपा की केंद्र सरकार और संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद से तमाम सवाल किए गए। आपको बताते चलें कि इंडिया गठबंधन का यह युवा न्याय संवाद झांसी में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम में झांसी ललितपुर लोकसभा के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। युवा न्याय संवाद में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को भारी मतों से विजय श्री दिलाने की हुंकार भरी गई। प्रदीप जैन आदित्य ने अपने संबोधन में कहा कि युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। 50,000 रिक्त पदों के लिए 53,00,000 लोगों ने फॉर्म भरे। सरकार ने फॉर्म भरने की फीस वसूली। जो फीस भरने लायक नहीं थे उन्होंने भी फीस भरी। युवाओं को ट्रेन में धक्के खिलवाए, सड़कों पर सुलवाया, समय बर्बाद करवाया और फिर पेपर लीक करके युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया। सरकार जानबूझकर पेपर लीक करवाती है ताकि रोजगार ना देना पड़े। इस सरकार में सभी के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अन्याय युवाओं के साथ हो रहा है। युवाओं के नेतृत्व को पंगु बनाया जा रहा है। गठबंधन सरकार ने पेपर लीक ना होने के लिए नया कानून बनाने का वादा किया है। यहाँ तक कि हमने भर्ती का अभी से रोड मैप अपने घोषणा पत्र के साथ जारी कर दिया है। गठबंधन की जैसे ही सरकार बनेगी तो निर्धारित समय पर 30,00,000 पदों को भरेंगे। उन्होंने किसानों के दर्द को भी बयां करते हुए कहा कि किसान जो यंत्र इस्तेमाल करता है उसको महंगा कर दिया गया है, लेकिन सरकार MSP की बात नहीं करती, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने जनता के जीवन तक से खिलवाड़ करते हुए दवा बनाने वाली कंपनी से भी चुनावी चंदे के नाम पर 6,500 करोड़ रुपए ले लिया, जिसने टीके का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है। प्रदीप जैन ने कहा कि भाजपा दलितों से आरक्षण छीनना चाहती है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं। देश से भ्रष्टाचार मिटाना होगा, छात्रों को न्याय दिलाना होगा, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी, किसानों को MSP दिलाना होगी। आपकी परीक्षा की घड़ी है, युवा ही धारा को मोड़ सकता है और बदल सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा महंगी होती जा रही है, लेकिन सांसद इसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे क्योंकि वे खुद ही शिक्षा का व्यापार करते हैं। झांसी में NGT 15,000 मकान तोड़ने जा रही है, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। अंत में उन्होंने सीधे सीधे वर्तमान सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुराग गिनकर बताएं कि कितने युवाओं को उन्होंने नौकरियां दिलवाई हैं, वो बताएं कि युवाओं के साथ उन्होंने क्या न्याय किया है। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छात्र संघ बंसराज दुबे, समाजवादी पार्टी के नेता सीताराम कुशवाहा, पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, आम आदमी पार्टी प्रभारी श्रद्धा चौरसिया, सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान पारीशा, यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता युवराज सिंह यादव आदि ने भी मौजूदा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता तथा पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने युवा न्याय संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि झांसी ललितपुर लोकसभा के सांसद महोदय ने 5 साल तक कोई काम नहीं किया, किसी से मिले तक नहीं, कोई विकास नहीं किया, सिर्फ झांसी स्टेशन का नाम बदल दिया, फ्लाईओवर बनवाया समाजवादी पार्टी ने और नाम उन्होंने लिख दिया, वो जनता के बीच ही नहीं है, उन्हें अपने वोट की ताकत बताइए। कार्यक्रम को सपा के महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, मुलायम सिंह ब्रिगेड के अध्यक्ष अनिकेत चौधरी, अयान अली हाशमी, सैयद अली, अंकित परिहार, चंद्रांश गुप्ता,
इमरान अहमद मकरानी, साजिद अली आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से शाहनवाज खान और आरिफ खान ने और आभार जिला अध्यक्ष सपा ब्रजेंद्र सिंह और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अरशद खान ने व्यक्त किया। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता तथा युवा मौजूद रहे। उक्त जानकारी कांग्रेस के जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर मजहर अली ने दी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में पिछले 10 साल से प्रयासरत बबीना का एकमात्र स्कूल मॉडर्न ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त, कक्षा नर्सरी से 8 तक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए कोचिंग की व्यवस्था, वह भी अनुकूल वातावरण में, कम फीस दर पर उच्च शिक्षा, सुसंस्कृति, अनुशासन, खेल, कला, जीके और सफलता पर विशेष जोर। प्रवेश प्रारंभ जल्दी कीजिए, आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाइए और उनका भविष्य उज्ज्वल बनाइए। हमारा पता है मॉडर्न ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, टुंगी नंबर 1, वन विभाग कार्यालय के सामने, बबीना कैंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए प्रबंधक मुकेश शर्मा, कॉन्टैक्ट 9889683356।